बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आज हम FSC ICS मैथ पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करेंगे और इसके कुछ अहम MCQs को सॉल्व करेंगे। MCQs नंबर 1 है जिसकी स्टेटमेंट है ए रेसिप्रोकल इक्वेशन रिमेंस अनचेंज्ड व्हेन वेरिएबल एक्स इज रिप्लेस्ड बाय, करेक्ट ऑप्शन इसका है 1/x। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बेसिकली रेसिप्रोकल इक्वेशंस की डेफिनेशन लिखी हुई ही है। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स वेरिएबल को 1/x वेरिएबल से रिप्लेस करें तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए को हम सर्कल कर देते हैं। अब किस तरह की इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है ये देखते हैं। एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अगर हम इसमें एक्स को 1/x से रिप्लेस करें तो इक्वेशन यही रहेगी। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3x² प्लस 3/x² इज इक्वल टू 2, तो ये भी एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अगर इसमें एक्स को 1/x से रिप्लेस करें तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम ही रहेगी। तो इस तरह ये स्टेटमेंट रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन में भी दी जा सकती है। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन वेरिएबल एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो MCQs 1 का करेक्ट ऑप्शन ए है। आते हैं दूसरे MCQs की तरफ। इक्वेशन 2^2x माइनस 3×2^x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 इज डैश इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट पे आए या पावर में आए और उसकी बेस कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो जो के 1 के इक्वल ना हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी को हम सर्कल कर देते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशंस की डेफिनेशन हम पहले बता चुके हैं, जबकि रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिनमें रेडिकल का सिंबल आ जाए। जैसे ये स्क्वायर रूट का सिंबल एक रेडिकल सिंबल है, ये क्यूब रूट का सिंबल ये भी एक रेडिकल इक्वेशन है, रेडिकल सिंबल है। इसी तरह फोर्थ रूट का सिंबल ये भी रेडिकल एक्सप्रेशन है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल एक्सप्रेशन आ जाए वो इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। और लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, जैसा कि ax प्लस by इज इक्वल टू सी, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो फिलहाल क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन सी है। आते हैं MCQs नंबर 3 की तरफ। फॉर रियल एंड रिपीटेड रूट्स b² - 4ac विल बी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b² - 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और रिपीटेड रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ए है। डिस्क्रिमिनेंट के मुख्तलिफ केस देखते हैं कि अगर डी 0 होगा तो रूट्स रियल और रिपीटेड होंगे, जैसा कि इस MCQs में पूछा गया है। इसी तरह अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है एंड आ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स विल बी रियल और रियल में भी रैशनल रूट होंगे उसके एंड अनइक्वल। सिमिलरली अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव तो है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स विल बी रियल और रियल में रूट्स होंगे इरेशनल एंड अनइक्वल रूट होंगे। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, जिसे हमने पहले ही सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 आर कम्प्लेक्स इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इज। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो रूट्स उसके कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी को हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट MCQs नंबर 5, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन
2x² प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पर वैल्यू पुट करें, b इस इक्वेशन में 5 के इक्वल है, तो 5² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू माइनस 1 है। इन्हें सिंपलीफाई किया तो 5² 25 प्लस यहाँ पर 8 आ जाएगा और इन्हें ऐड किया तो ये 33 के इक्वल डिस्क्रिमिनेंट आ गया, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर डी पॉजिटिव हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो रूट उसके इरेशनल और अनइक्वल होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी को हम सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 6, द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल 3x² माइनस 7x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू माइनस 1 इज। गिवन पॉलीनोमियल p ऑफ x हमें दी गई है 3x² माइनस 7x प्लस 1। तो इस पॉलीनोमियल की वैल्यू हमें माइनस 1 पर कैलकुलेट करनी है, तो x को माइनस 1 से रिप्लेस कर दें। माइनस 1 का स्क्वायर नेगेटिव 7 इंटू माइनस 1 प्लस 1। इसे सिंपलीफाई किया तो यहाँ पर 3 प्लस 7 प्लस 1 और इन टर्मों को ऐड किया तो आंसर हमारे पास आ गया है 11। तो करेक्ट आंसर इसका 11 है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी को हम सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, The roots of equation x² plus x minus 6 is equal to 0। हमें इस quadratic equation के roots मालूम करने हैं, तो इसके roots find out करने के लिए हम इसके factor भी बना सकते हैं, quadratic formula भी solve कर सकते हैं और completing square भी कर सकते हैं। तो हम इसके factor बना लेते हैं। Multiply करने से minus 6 आए और minus करने से positive 1। तो हम जानते हैं ऐसे number plus 3 और माइनस 2 ये वो नंबर हैं जो के मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आंसर मिलेगा और इन्हें अगर हम ऐड करें तो पॉजिटिव 1 मिलेगा। तो इस तरह हमने प्लस एक्स को लिखा है प्लस 3x माइनस 2x। तो पहली दो टर्मों से हमने x कॉमन लिया है तो x प्लस 3 मिलेगा हमें, और बाकी दो टर्मों से माइनस 2 कॉमन लें तो यहाँ पर भी हमें x प्लस 3 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्मों से x प्लस 3 कॉमन लें तो हमें दूसरा फैक्टर मिल जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन के फैक्टर बन गए हैं, या पहला फैक्टर x प्लस 3 ये 0 होगा, या दूसरा फैक्टर x माइनस 2 ये 0 के इक्वल होगा। तो पहले फैक्टर से हमें x की वैल्यू मिल रही है माइनस 3, इसी तरह दूसरे फैक्टर से हमें x की वैल्यू मिल रही है 2। तो माइनस 3 और पॉजिटिव 2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी को हम सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 8, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस a इज इक्वल टू 0 इज 2, देन वैल्यू ऑफ a इज। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमें 2 बताया गया है, तो इस इक्वेशन में स्मॉल a की वैल्यू हमने मालूम करनी है। हम जानते हैं कि अगर रूट को इक्वेशन में पुट किया जाए तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो हम 2 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x को 2 से रिप्लेस करें तो ये 2² माइनस 3 इंटू 2 प्लस a, तो ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, जो कि 0 के इक्वल है। यही मतलब सेटिस्फाइड करने का है कि x को रूट से रिप्लेस करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। इसे सिंपलीफाई करें तो 4 माइनस 6 प्लस a इज इक्वल टू 0। इस तरह यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा माइनस 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। मजीद सिंपलीफाई करें तो a की वैल्यू हमें मिल गई है 2। तो करेक्ट आंसर इसका 2 है, जो कि ऑप्शन a में दिया गया है। ऑप्शन a हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ नंबर 9, टू लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 5 हैज। पहला ऑप्शन है इन दोनों इक्वेशन का वन सॉल्यूशन होगा, बी ऑप्शन में नो सॉल्यूशन, सी ऑप्शन इनफिनिट सॉल्यूशन और डी ऑप्शन टू सॉल्यूशन। तो हमें जो लीनियर इक्वेशन दी गई है इनके मैट्रिसेस ऑफ कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट लें तो वो हमारे पास 1
टू माइनस थ्री माइनस थ्री दूसरी इक्वेशन का एक्स कोफिशियंट है और माइनस सिक्स, इनका अगर हम डिटरमिनेंट लें तो ये माइनस सिक्स नेगेटिव नेगेटिव सिक्स जो कि हमें आंसर मिल रहा है माइनस सिक्स प्लस सिक्स विच इज इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं कि अगर मैट्रिसेस ऑफ कोफिशियंट का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए तो ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और उनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी को हम सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10, प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1/3। ये हमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिलेंगे जो कि 1 और ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो ये तीन नंबर इस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहलाते हैं। अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करें तो 1 की वैल्यू चूंकि 1 ही है और ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 के इक्वल है, इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 के इक्वल है। इन्हें अगर हम सिंपलीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ओमेगा क्यूब के इक्वल आ जाएगी, जबकि राइट हैंड साइड 1/4 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू आयोटा का स्क्वायर। इसे अगर हम फर्दर सिंपलीफाई करें तो ओमेगा क्यूब हमें मिल जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 के इक्वल होता है तो ये 1/4 इंटू 1 प्लस 3 आ जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा 4/4 जो कि 1 के इक्वल है। इस तरह हमें रिजल्ट मिल गया है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी को हम सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज, हम जानते हैं 1/4 से हमें फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी मिलेंगे जो कि 1 पहला रूट है, पहला फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी -1 और आयोटा इंटू माइनस आयोटा। इन हमने चारों फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई किया, इनका आंसर आता है प्लस आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चूंकि -1 होती है, तो इस तरह प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी -1 के इक्वल है जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए को हम सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट इज डैश ऑफ अदर, हम जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं और ओमेगा की वैल्यू हम पहले ही बता चुके हैं, ये ओमेगा की वैल्यू है, इसी तरह ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 के इक्वल है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट एक दूसरे के कांजुगेट हैं, लेकिन कांजुगेट वाला ऑप्शन तो हमें यहाँ पर दिया नहीं गया। पहला ऑप्शन दिया गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। अगर हम ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले ओमेगा की पावर -1 तो ये इसे लिखा जा सकता है 1/ ओमेगा, और 1 हम जानते हैं चूंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है तो 1 की जगह पे हम ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब ओवर ओमेगा, इन्हें सिंपलीफाई किया तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। इसी तरह अगर हम ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें तो इसे हम लिख सकते हैं 1/ ओमेगा स्क्वायर, और 1 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब, नीचे ओमेगा स्क्वायर है तो इसका आंसर हमें मिलेगा ओमेगा। मींस इसी तरह ओमेगा स्क्वायर का इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा के इक्वल है, तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। बी ऑप्शन में हमें दिया गया स्क्वायर, तो देखते इनके स्क्वायर भी लेके देखते हैं। अगर हम ओमेगा का स्क्वायर लें, ओमेगा की वैल्यू चूंकि -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 के इक्वल है, इसका भी स्क्वायर लिया जाए तो सिंपलीफाई करें इसे तो ये 1/4 इंटू 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा
इसे अगर हम सिंपलीफाई करें तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1/4 1 - 3 - 2 √3 iota, और इसे हम लिख सकते हैं -2 - 2 √3 iota। फर्दर इस स्टेप को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं -1 - √3 iota/2। न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन लेके 4 के साथ कैंसिल आउट होगा, तो ये हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर लिया तो हमें ये वैल्यू मिल गई है जो कि ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। इसी तरह अगर हम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लें तो वो हमें मिल जाएगा ओमेगा 4। ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 × ओमेगा, और ओमेगा 3 चूंकि 1 के इक्वल है तो 1 × ओमेगा, तो हमें आंसर मिल गया है ओमेगा। तो हम देख रहे हैं ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट इज द स्क्वायर ऑफ ईच अदर, तो ए ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी को हम सर्कल कर देते हैं।